हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंड अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर विड्थ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल बिटवीन द पोल्स। तो देखिए, एक 80 मीटर की क्या है रोड है, मीन्स रोड है उसका 80 मीटर है वो। ओके, तो दोनों साइड कुछ पोल्स खड़े हुए हैं जो एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है और एक 30 डिग्री का। ओके, आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है, क्या होगा इनका डिस्टेंस कितना होगा बीच में। ओके, तो देखिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला हमने एंगल लिया। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, ई डी सी इसके नेम्स हैं। ओके, और ये यहाँ पे है एक्स। अब देखिए हमारा जो एंगल ई डी है अपॉन में डी सी हो जाएगा इक्वल टू में किसके होगा, टेन थीटा का। ओके, अब देखिए जब ई डी और डी ई है, इसकी ई डी क्या है हमारी, ई डी है हाइट और डी सी क्या है हमारी एक्स, इक्वल टू में टेन थीटा की जगह क्या आ गया है 16। तो आप लिख देंगे हम 16 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा। जब 16 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री, तो इसको इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू में एक्स रूट थ्री। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे हम 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। इसका नेम है ए बी सी, हाइट हमें फाइंड करनी है, ये हमें 18 माइनस एक्स दिया गया है। ओके, तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू 10 थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 13 डिग्री। ओके, 13 डिग्री लिखे हमने। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ए बी क्या है हमारी हाइट, हाइट क्या दी गई है आपको, एक्स रूट थ्री अपॉन में बी सी 18 माइनस एक्स। ओके, ये दिया गया है। और टेन थीटा की वैल्यू देखिए, एक सेकेंड, टेन थर्टी की वैल्यू भी आपको लिखनी है। देखिए यहाँ पे हो गई एच की जगह एक्स रूट थ्री अपॉन में बी सी है 18 माइनस एक्स, और इसकी रूट की पावर होगी 1 अपॉन में रूट थ्री। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट थ्री टू बार हो जाएगा, मीन्स एक्स रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री इक्वल टू में 18 माइनस एक्स, वन से करेंगे तो एस इट इज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट थ्री का टू बार, टू से रूट कट जाएगा, एक्स मीन्स थ्री एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू में 18 माइनस एक्स ये हो जाएगा। तो एक्स के टर्म को हम इधर ले आएंगे, थ्री एक्स यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का 1x हो जाएगा, इक्वल टू में 80 हो जाएगा। प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 18। तो x को इधर रहने देंगे 18 अपॉन में क्या कर देंगे, 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 का 0। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 20। तो जो यहाँ पे h x की वैल्यू दी गई थी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, h इक्वल टू x 30 दिया गया था, इसकी जगह लिखेंगे हम h इक्वल टू 20 रूट 3। ओके, ये लिखेंगे। और जो इनका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दूरी 20 या फिर 16 में से। Okay, so this was question number 10, exercise 9.1. Thanks.